दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम दिल्ली पुलिस और आरपीएफ। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ बहुत ज्यादा क्रेज में है अभी आजकल, सारे युवाओं में, सारे कैंडिडेट्स में जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, जो वर्दी से प्यार करते हैं, जिन्हें वर्दी चाहिए भाई हर हाल में। तो आज की वीडियो में इन दोनों के कंपैरिजन को लेकर बना रहा हूं। बाकी इससे जुड़े सभी वीडियो जैसे कि क्या है क्या नहीं है नोटिफिकेशन में सब चीज वो बाद में क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि क्या इसमें हाइट होनी चाहिए, क्या दोनों में क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, कैसे दोनों की फिजिकल होती है, क्या दोनों के प्रोसेस होते हैं, क्या सैलरी वैलरी, सब आज डिस्कस करेंगे। छोटे से टाइम के अंतर्गत ये वीडियो बनाई गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों को समझिएगा आप, इससे क्लियर हो सकेगा कि हाँ आप किसके लिए बने और किसके लिए आप बेस्ट अपने आप को देखते हैं। दोनों में काफी अंतर है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं बड़े फटाफट अंदाज में। और यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों की जो क्वालिफिकेशन है यहां थोड़ा अंतर है, देख लेना आप। मैट्रिक पर आप यानी मैट्रिकुलेशन का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप आरपीएफ सिपाही के लिए इलिजिबल हो, सिर्फ 10वीं, देख रहे हो फ्रेंड, सिर्फ 10वीं लेवल 3 की जो जॉब है वहां पर आप सिपाही में जा सकते हो। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस को चाहते हो तो 12th मिनिमम यानी एक इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंटरमीडिएट दिल्ली पुलिस के लिए, मैट्रिकुलेशन इसके लिए, दोनों आप जानते हो। हाइट की बात करें तो हाइट एक मेजर डिफरेंस है, दोनों के बारे में बताऊंगा, मेल फीमेल का हाइट। देखिए सबसे पहले आरपीएफ की बात कर ले तो इसमें मेल कैंडिडेट जो कि जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और अगर एससी एसटी से आते हैं तो 5 सेंटीमीटर की यहाँ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी, इसके साथ आप 160 पे भी इलिजिबल हो जाते हो। ये रहा मेल कैंडिडेट आरपीएफ। अगर फीमेल की बात करें तो 157 अगर आपकी हाइट हो जाती है फ्रेंड्स तो आप आरपीएफ कॉन्स्टेबल के लिए फीमेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी वाले इलिजिबल हैं, 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी अगर आप फीमेल कैंडिडेट एससी एसटी से हैं तो 152 सेंटीमीटर पर भी आप सिलेक्टेड हैं, आप इलिजिबल हैं। अब दिल्ली पुलिस की बात करें तो 172 हाइट चाहिए होता है मेल कैंडिडेट में जनरल ओबीसी वालों को, और यहां पर 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलती है सिर्फ और सिर्फ एसटी वालों को, जिसके साथ 167 हाइट अगर होगी तो मेल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में भी वो चयनित हो सकते हैं। और फीमेल की बात करें तो 160 सेंटीमीटर चाहिए होता है दिल्ली पुलिस में एक फीमेल को, 5 सेंटीमीटर के एज रिलैक्सेशन फिर से वही एसटी के लिए फीमेल कैटेगरी फीमेल में दिल्ली पुलिस में। तो आपने इन दोनों हाइट को समझा ठीक से। एज की बात करें तो यहां भी मेजर डिफरेंस है, अगर अभी आरपीएफ में जिस तरह से हमें 3 साल की छूट मिल रही है सभी को, यानी जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस भी इस बार से अप्लाई होगा, तो उन सभी को 3 साल की मिली है। यानी अगर आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 है और जनरल ओबीसी से आप बिलोंग करते हो, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आप 28 तक फॉर्म फिल कर सकते हो मेल फीमेल दोनों। अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल और ले लो, यानी 31 तक मेल फीमेल दोनों आरपीएफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो एज 33 होने तक दोनों मेल फीमेल आरपीएफ में इस बार अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये जो अपना क्या कहते हैं सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना आप लोग, एक बेहतरीन इसमें ये बात बता रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेट आज से ही बनवाने में लग जाओ। अगर आप ओबीसी क्लेम करना चाहते हो, ईडब्ल्यूएस क्लेम करना चाहते हो, एससी एसटी कोई भी कैटेगरी अगर क्लेम करना चाहते हो ताकि इसका फायदा आपको मिले, तो आप अभी से सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि डीवी के दौरान अगर आप सर्टिफिकेट कुछ और दिखाते हो वो ये वो तो वो नहीं चलता है, इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही इसको बनवा लेंगे, तो ध्यान रहे। अच्छा, हमने हाइट एज सब बात कर ली, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अब दोनों के सिलेक्शन में जो रिटेन होता है, रिटेन में क्या क्या अंतर है दोनों के, तो देखिए आरपीएफ की सबसे पहले बात करें तो यहाँ आपसे कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50 जीएस करंट और जीके साइंस सभी के हैं और 35 मैथ 35 रीजनिंग। वहीं अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो 50 जीके जीएस साइंस करंट सभी हैं और 15 मैथ है 25 रीजनिंग है 10 कंप्यूटर है, टोटल 100 क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में मेल फीमेल सबके लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन। सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, सिलेबस की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ तीन बुक जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी तैयारी में एक अहम योगदान देंगे और इतना बढ़िया स्कोर करेंगे आपका कि आप भी कहोगे वाह क्या बुक सजेस्ट की है आपने। तो आप देख सकते हो ये तीन बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। पहला किरण का मैथ है, किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर में रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी के टाइप्स, उन सभी के क्वेश्चन एकदम बढ़िया अंदाज में दिए गए हैं, एक टॉपिक से कितने सारे टाइप्स आते हैं अलग अलग जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को इस बुक में डिस्कस किया गया है विद
ट्रिकी अप्रोच के साथ, और आप इसको जरूर कंसिडर करना अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, ये बहुत ही बढ़िया योगदान दे सकता है आप में। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल छोड़े जाने वाले सब्जेक्ट नहीं है, सभी बच्चे जितना हाई स्कोर करेंगे उतना ही उनके सफल होने के चांसेस है। रीजनिंग में भी यही हाल है, उसी तरह से टॉपिक और उसके टाइप्स और ट्रिकी अप्रोच और टोटल जो भी क्वेश्चन रेलवे में पहले पूछे गए उन सभी को यहाँ बताया गया है। तो ये दो बुक रीजनिंग का और मैथ का किरण पब्लिकेशन का ही आपको सजेस्ट करता हूँ। और तीसरा एक और है खान सर का अपना जो 7000 वाला सेट है, जो कि पिछले करंट जितने भी एग्जाम हुए हैं ये भी किरण पब्लिकेशन से ही खान सर का आया हुआ है। रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी के इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। और ये तीनों बुक्स आपका जो है 27000 था, ये तीनों बुक जो है फ्रेंड्स आपको दिल्ली पुलिस में भी मदद करेंगे, आरपीएफ में भी मदद करेंगे। मतलब आंख बंद करके अगर आप इनसे जुड़ जाओ, इनसे दिलो जान से लग जाओ, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तीन बुक मेरा काम था आपको सजेस्ट करना। प्लीज इसे बाय करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इसे इजिली बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ सिलेबस की मैंने बात बता दी, क्या क्वेश्चन किससे आता है। अब प्रोसेस की अगर बात करें दोनों में क्या प्रोसेस है, दोनों के प्रोसेस सेम है। पहले आपका रिटर्न होगा, फिर आप फिजिकल में जाओगे, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, डीवी होगा, डीवी के बाद आपको लेटर मिल जाएगा। 5 स्टेजेस से दोनों के, शुरू के 2 हार्ड होते हैं, बाकी मेडिकल अब थोड़े से मॉडरेट लेवल के दोनों में होने लगे हैं। दोस्तों आगे फिर बात कर लेते हैं हम कि रेस क्या होगा। जैसे आपका फिजिकल एग्जाम होगा तो उसमें आपको रेस क्या करना होगा, दोनों के लिए क्या टाइमिंग है, क्या रेस है। तो आरपीएफ में मेल कैंडिडेट्स का बात करें तो 5:45 में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा भैया, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर टफ आपको दिख सकता है रेस, लेकिन दिल्ली पुलिस में इसी के लिए आपको 6 मिनट मिलती है। आपने एक चीज नोटिस किया, 10वीं पर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको अपने आप को फिजिकली उससे ज्यादा मजबूत बनाना पड़ रहा है, लेकिन वही जब आप 12वीं पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो फिजिकली थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर ले तो आरपीएफ में आपको 3:40 में 800 मीटर भागना है, वहीं मेल दिल्ली पुलिस में फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में 1600 भागना होता है। तो दोनों का यहाँ रेस में अंतर है, फीमेल में 3:40 में 800 या फिर 8 मिनट में 1600, ये लड़कियों के लिए है। लॉन्ग जंप की बात करें अगर आरपीएफ में, तो मेल कैंडिडेट में लॉन्ग जंप 14 फीट ही फाड़ना पड़ता है, यहाँ पर आपको 2 चांस मिलते हैं। और दिल्ली पुलिस में लॉन्ग जंप 14 फीट फाड़ने के लिए मेल कैंडिडेट को 3 चांस मिलते हैं, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट क्रॉस करना होता है आरपीएफ में 2 चांस के साथ, वहीं फीमेल कैंडिडेट को दिल्ली पुलिस में 10 फीट क्रॉस करना होता है लॉन्ग जंप 3 चांसेस के साथ। ध्यान दीजिएगा, आरपीएफ में 2 चांस मिल रहे हैं, दिल्ली पुलिस में 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप की बात कर लें तो फीमेल कैंडिडेट को दोनों जगह 3-3 फीट ही फाड़ना पड़ेगा, अगर आप आरपीएफ हो या दिल्ली पुलिस हो, दोनों में 3-3 फीट ही। लेकिन एक मेल कैंडिडेट को 4 फीट क्रॉस करना होता है 2 चांस में आरपीएफ में, लेकिन दिल्ली पुलिस में 4.5 यानी 3.75 फीट को आपको क्रॉस करना होता है दिल्ली पुलिस में 3 चांस में। तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे ये वो डिफरेंस है। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, तीनों को क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और क्या क्या है। लेवल की बात कर ले, दोनों जो सिपाही के जॉब है लेवल 3 में आते हैं यहाँ, या ये लेवल 3 के ही दोनों जॉब हैं। अगर पोस्टिंग की बात करें तो भैया जब आप फॉर्म फिल करोगे आरपीएफ में किसी जोन किसी हेडक्वार्टर में, एज लाइक आप भरते हो SCR साउथ सेंट्रल रेलवे डाल देते हो, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे डाल देते हो, NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डाल देते हो, NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डाल देते हो, तो ऐसे नहीं डाल पाओगे आप डायरेक्ट किसी जोन में, नहीं, ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में ही 3-4 जोन होते हैं, आप उस ग्रुप में फॉर्म फिल करोगे। जैसे कि आप ग्रुप डी, अगर आरपीएफ का जो ग्रुप है डी का, उसमें अगर फॉर्म फिल करोगे तो उसके लिए आपको इलाहाबाद जोन मिल सकता है, गोरखपुर जोन मिल सकता है, दिल्ली जोन मिल सकता है। ग्रुप डी का सबसे कट ऑफ हाई था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आप अंदाजा लगेगा आपको कि कौन से फॉर्म किस कहां पर कट ऑफ लो जाती है और कहां हाई जाती है, क्यों जाती है, कैसे जाती है, इन सभी को मैंने बता रखा, आई बटन पर वीडियो दिख रहा है, उसको आप जाकर देख सकते। तो मैं ये पोस्टिंग बता देता हूँ कि जो ग्रुप भरोगे उसी ग्रुप में किसी जोन में आपको कहीं भी डाला जा सकता है, एक लंबा चौड़ा यहाँ पर आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, दिल्ली इलाहाबाद गोरखपुर, अगर आपने ग्रुप डी भरा है तो इन्हीं में से कहीं आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की बात करें तो एक छोटा सा एरिया जितना भी अपना दिल्ली का है उसी में आपकी पोस्टिंग होती है, ऑब्वियसली सबको पता है। सैलरी की बात करें तो चूंकि दोनों लेवल 3 की है तो 21,700 दोनों की बेसिक पे बनती है। उसके अलावा डीए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं तो 49% अभी डीए चल रहा है, वो आपको इस पर जोड़ कर मिलेगा। ये ट्रेनिंग के दौरान इतने ही कुछ मिलते हैं, बाकी राशन मनी भी मिलते हैं। अगर बाद में आपकी पोस्टिंग होती है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस HRA वगैरह सब जुड़ते हैं, जुड़ जाड़ के सैलरी दोनों की 40,000 प्लस हो जाती है।
अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो यहाँ का जो HRA है वो बिल्कुल कर रखा है कि हाँ भाई 27% ही मिलेगा, क्योंकि दिल्ली जो है एक्स कैटेगरी सिटी में आती है। तीन तरह की सिटी को बांटा गया है, तीन तरह की जगह को बांटा गया है, एक्स, वाई, जेड। जेड में आपको 9% HRA मिलता है, आपके बेसिक सैलरी का 18% मिलेगा अगर आप वाई में हैं, और एक्स में है तो आपको 27% का HRA मिलता है। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में है, इसीलिए 9, 18, 27, एक्स, वाई, जेड, इस तरह से देख सकते हैं। दिल्ली एक्स में आती है। हाँ, सैलरी वैलरी सब बात कर लिया हमने। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि RPF का मेडिकल कैसा होगा, दिल्ली पुलिस का मेडिकल कैसा होगा। दोनों में B1 चाहिए, विदाउट ग्लास, याद रखना, बिल्कुल विदाउट ग्लास, किसी तरह का कोई लेंस नहीं, किसी तरह की कोई सर्जरी नहीं, किसी तरह का कोई ग्लास नहीं होना चाहिए आपके आंख पे। इसके बिना आपकी जो आई साइट है 6x6 से लेकर 6x2 तक होनी चाहिए। दोनों में ही किसी तरह का अंदरूनी आपको टूट फाट नहीं होना चाहिए, टैटू बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का अंदर चोट वोट नहीं होना चाहिए। एक्सरे भी होगा, अंदरूनी जांच सब कुछ होगी, फ्लैट फुट, नॉकनी सब चेक किया जाता है। पहले से टफ हो चुका है मेडिकल, ये आप इत्मीनान से समझ लीजिएगा। तो आई में किसी तरह का कलर ब्लाइंडनेस है, किसी तरह का आई में प्रॉब्लम है, तो आगे आपके लिए ये क्रिटिकल सिचुएशन बन सकता है। अगर बात करें हम दोनों किस गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। बस वीडियो में इतना ही था, कंपैरिजन वीडियो था, आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया था। अगर वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक देखा आपने, तो एक लाइक देखे, हम सपोर्ट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए आगे लाता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।